2000 years later. ठीक है, ये हमारी कंपनी का है प्रोडक्ट हेग्रो का. बेसिकली ये ओपनेबल पॉली हाउस है. इंडिया में जो स्टैंडर्ड पॉली हाउस है ना, वो सारे फिक्स रहते हैं, उसमें कुछ मूवेबल नहीं रहता है, रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है, ये दोनों बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, खास करके बारिशों के टाइम पे, जून जुलाई अगस्त के महीने में. क्योंकि यहाँ पे हम देखिए, आप पूरा उसको खोल सकते हैं, तो जो भी है वो हवा पूरी बाहर निकल जाती है, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हम काफी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं. एट द सेम टाइम जो लाइट लेवल्स है वो हम ज्यादा दे सकते हैं, पॉलिनेशन हम बेटर कर सकते हैं, बिकॉज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप भी हम ग्रीन हाउस में कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम नहीं कर पाते, तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज है. प्लस इसमें खाली टॉप ही मोटराइज नहीं है, जो शेड नेट है वो भी मोटराइज है, और जो दरवाजा है वो भी मोटराइज है, ताकि अगर हमको अगर ट्रैक्टर ले जाना है काम करने के लिए, अंदर कुछ काम करना है, तो हम मशीन को अंदर लेके जा सकते हैं, वो बड़ा एडवांटेज है स्ट्रक्चर में. प्लस इसके साथ जो हम स्ट्रक्चर की ट्यूब यूज करते हैं वो अंडे के शेप की है, जबकि ओवल शेप की है, तो उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू जो नॉर्मल राउंड ट्यूब यूज करते हैं, उसके सामने इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होने से स्ट्रक्चर ज्यादा विंड लोड और काफी अगर हवा चलती है तो वो ले सकता है स्ट्रक्चर, ये बड़ा एडवांटेज है. इसको आप वेजिटेबल्स के लिए यूज कर सकते हैं, बेरीज के लिए यूज कर सकते हैं, नर्सरी के लिए यूज कर सकते हैं. नर्सरी वालों को एडवांटेज होगा कि जो उनकी क्रॉप की हार्डनिंग है, सुबह की सनलाइट वगैरह डायरेक्ट देंगे तो हार्डनिंग काफी अच्छी हो जाएगी क्रॉप की. और देखिए, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप भी हो सकता है, पॉलिनेटर का हम मधुमक्खियां छोड़ सकते हैं अंदर ग्रीन हाउस में. प्लस ये 100% ओपनेबल है और पूरा मोटराइज है. जो मोटर है वो भी IP65 ग्रेड की मोटर है, ताकि हर सीजन हर वेदर में वो काम कर सकती है. इसका जो स्पैन विड्थ है वो 10 मीटर है और हाइट जो है वो 7 मीटर है. देखिए, शेड नेट भी मोटराइज है सर. तो ये सारे एडवांटेज है. प्लस इसमें गटर है जिससे आप बारिश का पानी जमा कर सकते हैं. और सारा मोटराइज होने से लेबर का रिक्वायरमेंट कम रहता है. प्लस मोटर की पावर भी बहुत कम है, सिर्फ आधे HP की एक मोटर है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लगती है उसमें. ये देखिए शेड नेट, ये भी मोटराइज है. प्लस ये एल्यूमिनियम नेट शेड नेट है, जो कि ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है ठंडी में और बहुत गर्मी में. थैंक यू.